गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज पार्ट बी यूनिट टू सेक्शन बी दाल डिलाइट पेज नंबर 42। दिस इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज स्वीट टेल रिनॉल्ड ऑथर सुभद्रा सेन गुप्ता। ओके, दिस ऑथर सुभद्रा सेन गुप्ता टेक्स अस थ्रू द लेन ऑफ लखनऊ टू अ हम्बल कुक एंड अ प्राउड नवाब। नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस सेकेंड पैराग्राफ। ओके, now Sadiq was very excited about the reward. Okay, really Sadiq asked excited what has he given. Sadiq bahut excited hoke puchta hai ki unhone aaj tak kya kya rewards diye us servant se. Well, once he was so pleased by a pasanda is a kind of dish and pulao in Aminabad that he bought the cook a new shop, a whole shop. सादिक एक्सक्लेम वाइड आइड। सादिक बहुत वंडर हो जाता है कि पूरी की पूरी शॉप रिवॉर्ड में मिल गई। सादिक ड्रीम ऑफ अ रिवॉर्ड हिज फादर कुड गेट ऑन हिज वे बैक होम। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग सादिक सेंट टू वर्क विथ हिज फादर। ही हेल्प विथ हिम क्लीन द दाल, मेक घी, ग्राइंड टर्मरिक, peel the chop of onions, garlic and ginger. Then he watched his father cook the dal. जो सादिक है वो अपने फादर की पूरी तरीके से हेल्प कर रहा है सारे इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर अरेंज करने करके। देन वो अपने फादर को देखता है कि कैसे वो फादर दाल कुक करते हैं। विद द दाल कादिर मेड अ लाइट क्यूकम्बर रायता, मिंट चटनी, अ वेजिटेबल डिश ऑफ कॉलीफ्लावर एंड पोटैटोज, अ प्लेट ऑफ क्रीमी एंड सॉफ्ट काकोरी कबाब। एंड वंस द नवाब सेट डाउन टू ईट ही वुड सर्व फ्रेशली बेक तंदूरी रोटीज। फॉर डिजर्ट देयर वर अ बाउल्स ऑफ फिरनी। फिरनी इज अ काइंड ऑफ स्वीट डिश डिजर्ट। ओके, नाउ सादिक हैज नीड अ क्विक टेस्ट ऑफ दाल व्हेन हिज फादर वाजंट लुकिंग। अब ये सब कादिर अपनी दाल के साथ साथ ये डिशेज भी कुक करता है उसको इम्प्रेस करने के लिए। जब कादिर थोड़ा सा बिजी होता है कुकिंग में तो सादिक थोड़ी सी दाल को टेस्ट कर लेता है एंड वो फील करता है कि इट टेस्टेड अटरली डिलीशियस, क्योंकि दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इट वॉज द सीक्रेट मसाला दैट ऑल द मेड ऑल द डिफरेंसेस। वो कहता है कि वो सीक्रेट मसाला जो उसके फादर यूज़ करते हैं उस दाल को कुक करने में, उससे इतना फ़र्क पड़ता है, इतनी टेस्टी वो दाल हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। एवरीथिंग वॉज रेडी, सब कुछ रेडी हो जाता है, कादिर सब कुछ रेडी कर देता है। द दाल इन द हांडी वॉज बबलिंग जेंटली, बॉल्स ऑफ डव मॉइस्ट एंड रेडी टू बी स्लैब्ड इन टू रोटीज। वो बताते हैं कि दाल प्रॉपरली कुक हो चुकी है एंड डो भी रेडी है एंड द रायता कूलिंग इन अर्थन बॉल। जो रायता है वो भी एकदम रेडी हो गया है। कादिर टर्न टू हिज सन, गो कॉल द नवाब बेटा, आई एम रेडी टू सर्व। देन कादिर कहता है सादिक से कि गो एंड कॉल द नवाब, नवाब को बुला के लेके आओ, मैंने लंच प्रिपेयर कर दिया है। सादिक रन ऑल द वे टू नवाब हसन अलीज हवेली। सादिक रन करके जाता है नवाब की हवेली में। ही रीच द हाउस पैंटिंग। वो एकदम हाफते हुए उनके घर पे हवेली पे पहुंच जाता। आई हैव कम टू कॉल नवाब साहब फॉर लंच, दाल इज रेडी, ही सेड टू हिज टू द सर्वेंट। वो सर्वेंट से कहता है दाल रेडी है, मेरे को नवाब को बुलाना है। गो अप टू द रूफ, नवाब साहब इज फ्लाइंग काइट्स। नवाब साहब क्या कर रहे हैं, काइट्स फ्लाई कर रहे हैं। सादिक टोर अप द स्टेयर्स ऑफ द रूफ। द नवाब एंड हिज फ्रेंड्स वर कम्प्लीटली एंग्रॉस्ड इन फ्लाइंग काइट्स। जो नवाब है उनके फ्रेंड्स है वो एकदम वो बहुत इन्वॉल्व है विथ कंसंट्रेशन काइट फ्लाई करने में। ओके, सादिक वेंट अप टू हसन अली एंड सेड टिमिडली, मीन्स बहुत नर्वस होके कहता है नवाब साहब द दाल इज रेडी, माई फादर इज कॉलिंग यू। वो कहते हैं कि मेरे पापा बुला रहे हैं, दाल एकदम जो लंच है वो रेडी हो गया है। ओके, हसन अली लुक डाउन एट सादिक, हु देन ही सीम्स टू रिमेम्बर, यस यस दाल।
वन ऑफ हिज फ्रेंड्स लाफ्ड, फॉरगेट द दाल हसन, योर काइट इज इन डेंजर, द ग्रीन काइट इज अबाउट टू कट इट. हसन अली हरीडली पुल्ड एट हिज काइट. जस्ट टू वेट ग्रीन काइट, आई विल गेट यू, ही शाउटेड. उसका एक फ्रेंड हसन का, नवाब का एक फ्रेंड, वो कहता है कि फॉरगेट द दाल, दाल को तुम भूल जाओ, अभी अपने काइट फ्लाई पे, फ्लाइंग काइट पे फोकस करो, बिकॉज योर काइट इज इन डेंजर, आपकी जो काइट है वो डेंजर में, वो कट सकती है, वो जो ग्रीन कलर की काइट है वो आपकी काइट को काटने वाली है. सो जो नवाब है वो उसमें बिजी हो जाता है. नवाब साहब, सादिक इंटरप्टेड, वरीड अबाउट हिज फादर्स टेम्पर, द फूड इज वेटिंग. सादिक अपने फादर के टेम्पर के बारे में सोच रहा होता, बिकॉज ही नो कि उसके जो फादर है उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, एंड इफ नवाब टाइम से नहीं पहुँचेंगे तो वो बेगर्स को या फिर फूड दे देंगे, पूरा का पूरा लंच दे देंगे या फिर वो फेंक देंगे. ठीक है, द फूड इज वेटिंग, सादिक फिर से कहता है कि खाना वेट कर रहा है. यस यस, हसन अली सेड इरिटेटेड. हसन अली अब इरिटेट हो जाते हैं, वाई, बिकॉज वो फुल कंसंट्रेशन के साथ काइट फ्लाई कर रहे हैं. टेल योर फादर टू वेट, कांट यू सी माई काइट इज इन डेंजर. वो कहते हैं कि जाओ अपने फादर से कहो कि वो वेट करे मेरा, तुमको दिख नहीं रहा कि मेरी काइट जो है वो डेंजर में है. रन अलॉन्ग बॉय, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स सेड इम्पेशेंटली. कैन यू, कांट यू सी द नवाब साहब इज बिजी. नवाब का एक फ्रेंड कहता है कि रन अलॉन्ग बॉय, यहाँ से जाओ, आप तुमको देख नहीं रहा कि नवाब साहब है जो बिजी है. यू कांट सी नवाब साहब इज बिजी. बट द दाल, सादिक गेव अप एंड सैडली वॉकड अवे. सादिक सैड हो जाता है, वो वहाँ से चला जाता है. ऑल हिज ड्रीम्स वर फेडिंग अवे, उसके जो सारे ड्रीम्स थे वो फेड होते नजर आए उसको. ही न्यू वॉट वुड हैपन, अब उसको पता है कि क्या होगा. ही न्यू हिज अबूज टेम्पर, उसको पता है कि उसके जो फादर है, उसके जो अबू है, उनको उनको गुस्सा आएगा, एंड देन वो सब कुछ स्पॉइल कर देंगे. द मोमेंट कादिर हर्ड दैट द नवाब प्रिफर्ड टू काइट फ्लाई काइट टू टेस्टिंग हिज दाल, ही वुड फ्लाई इन टू द रेज एंड गिव द हैंड ऑफ दाल टू द फर्स्ट बेगर. वो कहते हैं कि जैसे ही मेरे फादर को पता चलेगा कि नवाब साहब ने, नाउ सादिक फेल्ट लाइक क्राइंग. ये सब सोच के सादिक को कैसा फील हो रहा था, क्राइंग. ओके, नाउ ऑन रीचिंग होम ही लुक्ड अप टू द सी द नवाब्स काइट फ्लाइंग ओवर. वो जैसे जैसे वॉक करके अपने घर जाया तो वो देख रहा था कि उसके हेड के ऊपर नवाब साहब की काइट फ्लाई हो रही है, सिल्वर कलर की काइट. एंड हिज फ्रेंड्स अमन वॉज फ्लाइंग अ काइट फ्रॉम हिज रूफ टॉप अक्रॉस द लेन. एंड उसका एक बेस्ट फ्रेंड था अमन, वो भी वो काइट फ्लाइंग में चैंपियन था, वो भी अपनी काइट फ्लाई करना था. सडनली अ वंडरफुल आइडिया स्टक सादिक. सादिक को सडनली एक बहुत अच्छा आइडिया आया. ही रैन टू अमन्स रूफटॉप, वो फटाफट अमन के छत पे गया. अमन डू मी अ फेवर, सी दैट ब्लू एंड सिल्वर काइट, कट इट फास्ट. श्योर, नो प्रॉब्लम, सेड अमन. अमन कहते हैं ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ही वॉज अ चैंपियन काइट फ्लायर. ही मेड अ स्पेशल काइट स्ट्रिंग विथ अ लेयर ऑफ ग्राउंड ग्रास एंड ही कुड कट थ्रू एनीथिंग. सादिक रेस बैक टू द नवाब्स हाउस. ही रैन अप टू द स्टेयर्स एंड रीच टू द रूफ टॉप एज दैट अमन सेट पोजिशन हिज काइट डायरेक्टली अबाउट द नवाब्स. अमन गेव अ शार्प टक. ओ नो, हसन अली ग्रोन एंड डिसमे. As he, his kite was cut and whiffed down towards the ground. Huzoor, Sadiq said, the food is waiting. The dal is delicious. ये कौन कहता है? ये सादिक कहता है. अब उसको पता है कि काइट जो है वो कट गई है. अब सारा कंसंट्रेशन अब फूड पे होगा. सो वो फोकस एम्फसाइज करके कहता है, द दाल इज डिलीशियस. दाल जो है बहुत डिलीशियस है एंड द फूड इज वेटिंग. खाना आपका वेट कर रहा है. ओ यस यस, द नवाब सडनली रिमेम्बर्ड दैट स्पेशल दाल. नवाब को अचानक से वो दाल याद आ जाती है. नाउ द काइट्स गॉन, लेट्स गो एंड ईट. वो कहते हैं कि अब तो पतंग चली गई, अब चलते हैं, अब हम लोग फूड मतलब फूड टेस्ट करते हैं, दाल टेस्ट करते हैं. इनफ फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे.